श्री राम आए अयोध्या में, पलटू राम आए बिहार में। पलटू राम एक बार फिर से पाला अपना बदल लिया है। वो पहले आरजेडी में थे, अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं, दोनों कंबाइन हो गए हैं और एनडीए गठबंधन को एक बार फिर से मजबूत कर दिया है। और यहाँ पे हमें तो सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की लग रहा है जो लोग अमित शाह जी ये बोल गए थे। सुनिए पहले अमित शाह जी क्या बोले थे। इनके आधे एमपी भाजप के दरवाजे खटखटा रहे हैं और मैं एक बात स्पष्ट कह देता हूं, किसी के की मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अब नीतीश बाबू को वापिस न लिया जाए, यही चाहते हैं ना आप? यही चाहते हैं ना? ऐसा ही होगा, आप चिंता मत करिए। सुन लिया ना अमित शाह जी क्या बोले थे। अमित शाह जी ने साफ साफ बोला था अब नीतीश बाबू को अपनी पार्टी में कभी भी शामिल नहीं करेंगे, पर जब सत्ता पे काबिज होने की बात आई तब नीतीश बाबू को अपने पार्टी में शामिल कर ही लिया। यार कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लोग ना, पॉलिटिकली इज डर्टी गेम ऑफ आवर इंडिया खास करके, क्योंकि यहाँ पे सत्ता पाने के लिए ना कुछ भी कर सकते हैं ये लोग सत्ता पाने के लिए। अब देखिए पहले सत्ता पाने के लिए इसको बोल रहे थे इनको नहीं लेंगे, उन्हीं पे कितना आरोप लगाया नीतीश कुमार पर और फिर शामिल हो गए उन्हीं में और फिर डिप्टी सीएम बन गए दो दो कोई बीजेपी से। और अब क्या बोले ये पॉलिटिकल कनेक्शन को लेके, क्योंकि सत्ता की भूख कभी हजम नहीं होती है, ये भूख तो मिट जाएगी गुरु, पर सत्ता की भूख कभी नहीं मिट सकती। हमें मुझे लगता है, आपको लगता है या नहीं लगता आप हमें सबसे पहले कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि पर सत्ता की भूख किसी को नहीं मिटती है। और मुझे एक बात की और हैरानी हो रही है कि नीतीश कुमार आखिर पलटी मारेंगे कितना बार, जब जब इलेक्शन आता है, इलेक्शन के टाइम ही वो खास करके इलेक्शन जब रहता है उसी समय वो उस पार्टी में शामिल हो जाते हैं जिसमें उन्हें ज्यादा फायदा मिले, ज्यादा प्रॉफिट साबित हो। अभी की हाल में बीजेपी पार्टी सबसे ज्यादा प्रॉफिट साबित हो रही है, इसलिए उन्होंने सर्वे कराया, देखा और बीजेपी में जाके शामिल हो गए। और लोकसभा चुनाव मार्च में ही है तो इस बार तो जेडीयू को भी फायदा होगा ही है। अब देखना ये बिहार में क्या कांग्रेस और आरजेडी पार्टी अपना कमाल दिखा पाती है, क्योंकि इंडिया गठबंधन तो पूरी तरह से टूट गया है। जैसे पहले ममता बनर्जी जी ने इंडिया गठबंधन से अपना आपको अलग कर लिया है, अब जेडीयू ने भी इंडिया गठबंधन को लात मार दिया है। अब हमें देखना है शायद आम आदमी पार्टी भी इंडिया गठबंधन को लात मारने ही वाली है। इसमें कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, क्योंकि उन्होंने पहले से जो प्लान बना के रखा था वो सारा फेल हो गया होगा। अब मुझे भी एक बात लगने लगा है, क्या कांग्रेस पार्टी उस ऊंचाइयों पे पहुंच पाएगी जो ऊंचाइयों पे वो पहुंचना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लेकर बहुत कोई मतलब धर्म की बातें, आजकल तो राजनेता सब भी धर्म की बातें ही कर रहे हैं, धर्म पे वोट ले रहे हैं, जाति पे सबसे ज्यादा वोट लिया जा रहा है, क्योंकि वो काम करे या ना करे पर जात पे वोट मिलता ही मिलता है, धर्म पे वोट मिलता ही मिलता है। अब राम मंदिर बना है तो इसमें तो बीजेपी को दुगना नहीं तिगना नहीं चार गुना ही फायदा होगा, क्योंकि इस बार बीजेपी 400 प्लस करेगी मुझे भी लगता है, क्योंकि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से टूट गया है और कांग्रेस उतनी मजबूत इस वक्त नहीं रही। राहुल गांधी जी भले ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली है, पर क्या उतना प्रॉफिट हो पाएगा भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जितना राम मंदिर से प्रॉफिट हो पाएगा बीजेपी को? उतना तो प्रॉफिट नामुमकिन है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें आती है लोकसभा सीटें, 80 में, और पिछले साल कांग्रेस मात्र एक सीट जीत पाई थी, वहां से मायावती ने 10 सीट जीता और अखिलेश यादव के पार्टी समाजवादी पार्टी ने 5 सीट जीता था। और इस बार बीजेपी का वहां से टारगेट है 70-75 सीटें जीतने का, क्या ये टारगेट वो बीजेपी पूरा कर पाएगी? 100% चांस भी लग रहा है एक तरह से बीजेपी ये टारगेट पूरा कर सकती है, क्योंकि बीजेपी को इस बार उत्तर प्रदेश में वोट तो क्लीन स्वीप से मिलेंगे, सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे बीजेपी को इस बार उत्तर प्रदेश में। अब बात आती है नीतीश कुमार पलटू राम की, बात आती है कि पलटू राम फिर क्या पलटी मारेंगे, क्या होगा इलेक्शन में? और कोई पार्टी को बीजेपी आगे उठने नहीं दे रही है,
आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्या बीजेपी को रोकने वाला कोई इस वक्त नहीं है? आप हमें ये कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय हिंद।